बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वाशिंग मशीन, इसका स्पिनर का जो ड्रायर का ये ऊपर वाला डोर था, वो टूट गया था दोस्तों। तो इसको कैसे रिपेयर करना है, किस तरह रिपेयर करना है, किस तरह ये खोलना है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। आप घर में भी इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि जब ये डोर टूट जाता है तो जो स्पिनर है उस ये देखें, स्पिनर है ये काम करना छोड़ देता है। इसका इधर जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट जब आपस में नहीं लगता पॉइंट, तो जो उसको करंट पास नहीं होता, और जो उसकी ब्रेक होती है वो भी जो है डायरेक्ट हो जाती है, तो वो जाम हो जाता है, इसलिए नशाफ चलता नहीं। ये ड्रायर है जो, सॉरी, नशाफ तो अरबी में कहते हैं, ड्रायर जो है वो रुक जाता है। तो आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये इसका जो डोर है, ये देखें, यहाँ से ये टूट गया है, ये वाला ये हिस्सा देखें, यहाँ से ये टूट गया था। तो हम इसको रिपेयर करेंगे और इसको कैसे खोलना है वाशिंग मशीन को देखते हैं। देखें, एक इसका यहाँ स्क्रू लगा होता है, यहाँ ये वाला, एक ये और एक ये, तो इन तीनों को खोल लेना है। ये पानी निकालने वाला स्विच होता है, इसको हमने ऑफ़ कर लेना है, बंद कर लेना है, यानी पानी जिधर निकलता है उधर नहीं करना, यहाँ पानी बंद होता है वहाँ करके, जो इधर नीचे ये पानी, ये इसकी आ रही है, जो इसकी तार होती है, जो जिधर ये पानी वाला ये लगा होता है जुलवा, रबर पानी वाली जो होती है, तो इसको हमने बाहर निकाल लेना है इस तरह। ये देखें, बाहर आ गई, और फिर हमने इसको ऊपर उठा लेना है, इसको ऐसे खोल लेना है, और यहाँ रख देते हैं इसको। जो पॉइंट है, जब ये टूट जाता है, जो पॉइंट इसका काम नहीं करता, इस तरह ये आपस में टच नहीं होता, तो जो स्पिनर है वो रुक जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो ये इसकी ब्रेक है, ये डायरेक्ट हो जाती है और जाम हो जाता है। ये ब्रेक जो है वो पुली के साथ टच होती है और मोटर काम नहीं करती, तो हम ये रिपेयर करते हैं। इसका जो डोर है, तो आपको दिखाते हैं कैसे रिपेयर होता है। वालेकुम दोस्तों, ये जो इसका हिस्सा टूट गया था, ये हम लगाएंगे इसको यहाँ पे ऐसे, तो इसको जोड़ने के लिए ये एल्फी काविया, एक ये लोहे की वायर चाहिए, और एक और ये इपोक्सी, इनको मिक्स करके लगाएंगे बाद में। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एल्फी के साथ इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, ताकि ये थोड़ा सा पक्का हो जाए एल्फी से। बाद में क्या करना है वो भी आपको दिखाता हूँ। काविया जो है, इसको गर्म होने के लिए लगा देते हैं, काविया का काम। तो अभी ये जो वायर है, ये वाली, इसको हमने इसके छोटे छोटे पीस ऐसे काट लेने हैं, तकरीबन इतने इतने, देखें छोटे छोटे,
इससे काव्य के साथ इसको इनको लगाएंगे हम, इससे ये होगा। वैसे तो एल्फी से ये नहीं जुड़ेगा, पक्का होगा। इनको हम लगाएंगे यहाँ पे काव्य के साथ, देखें। यहाँ यहाँ से टूटा होगा, वहाँ वहाँ हमें ये लगाते जाना है इसको। थोड़ा सा इसको नीचे गहराई तक जाने देना है, ये देखें ऐसे। बाद में ऊपर से ऐसे काव्य से इसको बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी दूसरी साइड पे लगाते हैं। देखें ये ऐसे अंदर इसमें घुसता जाएगा काव्य के साथ, इस तरह ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा, टूटेगा नहीं। वैसे हम एपॉक्सी लगाएं या ये एल्फी वगैरह कोई भी ये गूंद समाद वगैरह लगाएं तो ये नहीं पक्का होता, टूट जाता है, क्योंकि इस पे ब्रेक जो होती है ब्रेक का थोड़ा वज़न हो। बाद में हम इसके ऊपर वो जो इपोक्सी है मैजिक वो लगाएंगे, जिससे ये और भी मज़बूत हो जाएगा और इंशाल्लाह नहीं टूटेगा। तो अभी दोस्तों इन दोनों जो ये मैजिक हैं वो इपोक्सी, इन दोनों को मिक्स करके हम उसके ऊपर लगाएंगे। दोनों को बराबर मिकदार में निकालना है, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। दोस्तों वीडियो पूरी देखिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इसमें। तो अभी देखें यहाँ यहाँ से ये टूटा हुआ था, या हमने जिधर काव्य से तार लगाई थी वहाँ वहाँ हमने इसको लगाते जाना है ऐसे। अभी तो लोहे की तरह ये पक्का हो जाएगा, देखें। अच्छी तरह भर देना इसको। तो दोस्तों ये हमारा डोर था रिपेयर हो गया, ओके हो गया। इसी तरह आपने करना है और ये रिपेयर हो जाएगा। दोस्तों ये डोर हमने रिपेयर किया था,
यहाँ से देखें तो ये इसका पॉइंट था जो मैंने बताया था आपको। देखें इसको ऊपर उठाएंगे तो ये देखें इसकी मोटर बंद हो जाएगी, नीचे रखेंगे तो पॉइंट इसके ऑन हो जाएंगे। ये इसकी ब्रेक थी जो आपको बताया था कि अगर ब्रेक टूट जाए तो मोटर रुक जाती है, काम नहीं करती ये वाली। और ये एक स्प्रिंग लगा होता है जिसकी सपोर्ट से ये डोर जो है ऊपर उठता है और नीचे जाता है, ऊपर ये ऐसे रुक जाता है। देखें तो ऊपर से ये जो कवर था इसका, इसको बंद करेंगे और ये पानी वाला जो हमने निकाला था रबड़ वाला वायर, इसको फिट कर देंगे। इस तरह। और ये जो ब्रेक का, इसकी ब्रेक थी ड्रायर की, यहाँ पे लगेगी। ये देखें दोस्तों, इसमें ये जो वायर है, क्लिप है, इसमें लगेगा। लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ जी, तो ये देखें दोस्तों, ऐसे लगाना है। दरअसल अकेला वीडियो बना रहा था इसलिए नहीं दिखा सका आपको। बस ये आपने ये जो सुराख हैं ये एडजस्टमेंट के लिए होते हैं, यहाँ एडजस्टमेंट हो जाएगी इसके, आपने वहाँ लगा देना है इसको। ये हो गया, अभी इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको ड्रायर को। वीडियो देखने का शुक्रिया दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।